गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक आर्थिक विकास के इंजन की तरह किस प्रकार काम करता है, हाउ इंटरनेशनल ट्रेड एक्ट्स एज एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हमें अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं, जिनको हम मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होते हैं स्थैतिक लाभ यानी स्टैटिक गेन्स, और दूसरे होते हैं प्रावैगिक लाभ यानी डायनेमिक गेन्स। पहले हम देखते हैं कि स्टैटिक गेन्स क्या क्या हैं। सबसे पहला है इसमें उत्पादन में फैलाव, एक्सपांशन इन प्रोडक्शन। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार तुलनात्मक लागत के नियम पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन के लाभों का विश्वास दिलाता है। व्यापार करने वाले देशों के सभी उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम प्रयोग होता है, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल व्यक्तिगत व्यापार करने वाले देशों बल्कि सारे विश्व का उत्पादन भी अधिकतम हो जाता है। नेक्स्ट है कल्याण में वृद्धि, इंक्रीज इन वेलफेयर। उत्पादों के लिए बड़ी विश्व मांग के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से घरेलू देश और विदेश दोनों में ही उपभोग योग्य वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होती है। विशिष्टीकरण के कारण उपभोग वस्तुओं की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। जब बढ़िया किस्म की सस्ती उपभोग वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, तो लोगों के कल्याण में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राइज इन नेशनल इनकम। अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण से सभी व्यापार करने वाले देशों में उत्पादन का फैलाव होता है, लोगों को रोजगार के बढ़ते हुए अवसर प्राप्त होते हैं। उत्पादन और रोजगार में वृद्धि से व्यापार करने वाले देशों की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। फिर है आर्थिक निर्गम, वेंट फॉर सरप्लस। एडम स्मिथ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश के उत्पादन संसाधनों का पूरा प्रयोग होता है। यह वस्तुओं का आधिक्य पैदा करने के योग्य बन जाता है, जिसे विदेशी बाजार में आसानी के साथ बेचा जा सकता है। इस प्रकार आधिक्य का निर्गम भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार का लाभ बन जाता है। व्यापार से कई प्रावैगिक लाभ भी मिलते हैं। देयर आर मेनी डायनेमिक गेन्स विच वी गेट फ्रॉम ट्रेड। सबसे पहला है तकनीकी विकास यानी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से तकनीकी और वैज्ञानिक आविष्कार और नव प्रवर्तन को प्रेरणा मिलती है, क्योंकि सभी देश में उत्पादक उत्पादन के ऐसी तकनीकों का विकास करने का प्रयत्न करते हैं जिनसे लागतों को न्यूनतम किया जा सकता है और उत्पादन की गति जो है यानी स्पीड जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। व्यापार के कारण विकसित टेक्नोलॉजी का विकसित देशों से कम विकसित देशों को स्थानांतरण होता है। उत्पादन और उत्पादन के संगठन के नए ढंग व्यापार के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं तक फैल जाते हैं। फिर नेक्स्ट है डायनेमिक गेन, प्रतियोगिता में वृद्धि, इंक्रीज कॉम्पिटिशन। व्यापार प्रतियोगिता में तेजी लाता है, जिससे सभी देश उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करते हैं और उत्पादन कम से कम लागतों पर प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता व्यापार करने वाले देशों के सभी उद्योगों की कार्यकुशलता में वृद्धि लाता है। फिर है बाजार का विस्तार यानी वाइडनिंग ऑफ मार्केट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाजार के आकार का विस्तार होता है, परिणाम स्वरूप उत्पादकों को उत्पादन के पैमाने, निवेश की मात्रा और रोजगार को बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। इनके फलस्वरूप व्यापार करने वाले देशों में उत्पादन सीमाओं का निरंतर विस्तार किया जा सकता है। फिर है निवेश में वृद्धि, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण जब देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो निवेश को शक्तिशाली प्रेरणा मिलती है। निर्यात क्षेत्र में विकास से कई सहायक और पूरक उद्योगों का विस्तार होता है और निवेश के कई नए नए अवसर पैदा होते हैं। अर्थव्यवस्था के निर्यात क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारी वृद्धि होती है। फिर है संसाधनों का कुशल प्रयोग यानी एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन संसाधनों के अधिक कुशल प्रयोग के लिए मार्ग तैयार करता है। जिन साधनों का पहले प्रयोग आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं माना जाता था, उनका भी शोषण और प्रयोग विदेशी बाजारों में मांग बढ़ जाने के फलस्वरूप आर्थिक दृष्टि से लाभकारी बन जाता है। फिर है नेक्स्ट जो है जो प्रावैगिक लाभ है वो है विकास को प्रेरणा, स्टिमुलस। इंटरनेशनल ट्रेड गिव्स स्टिमुलस टू ग्रोथ। निर्यात के लिए उत्पादन और वस्तुओं के अधिक आयातों से आर्थिक प्रणाली के अंदर
जो है समंजनों की श्रृंखला क्रियाशील हो जाती है, जो अंत में व्यापार करने वाले देशों के विकास पर कुल मिलाकर तेजी लाने का प्रभाव डालती है। व्यापार न केवल निर्यात उद्योग की वृद्धि को प्रेरणा देता है, बल्कि मूलभूत ढांचे और सेवाओं के क्षेत्र के विकास को भी बढ़ावा देता है। तो ये सारे हैं प्रावैगिक लाभ अंतरराष्ट्रीय व्यापार से। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं आर्थिक विकास के संबंध को लेकर अर्थशास्त्रियों में अनेक प्रकार के मत हैं। प्रतिष्ठित और नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो हैं, वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को आर्थिक विकास का इंजन मानते हैं। प्रतिष्ठित और नवप्रतिष्ठित जो अर्थशास्त्रियों का विश्वास है कि किसी देश के विकास में विदेशी व्यापार महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। हेबर्लर ने और केरन क्रॉस जैसे अर्थशास्त्रियों ने भी इस मत का समर्थन किया है। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार केवल उत्पादन को कुशलतम बनाने का ही उपाय नहीं, वरन विकास का इंजन भी है। और किसी भी देश के व्यापार की मात्रा और संरचना, व्यापार की शर्तों और अंतरराष्ट्रीय भुगतान, ये तीनों मिलकर उसके विकास को प्रभावित करते हैं। और ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मानते थे कि ये जो तीनों हैं, इनका आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अब अर्धविकसित देशों के आर्थिक विकास में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सहायता पहुंचाई है, और इसलिए यह विकास का इंजन है। और इसके जो कारण है, देखिए क्यों विकास का इंजन माना जाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इसके पीछे कुछ कारण है। सबसे पहला है वास्तविक आय और पूंजी निर्माण में वृद्धि, इंक्रीज इन रियल इनकम एंड कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत एक देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है जिसमें उसे तुलनात्मक लाभ होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, उसकी आय में वृद्धि होती है। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो प्रभाव है, यह होता है कि देश में जो उत्पत्ति के साधन है और उत्पादन तकनीक है पहले से ही निश्चित रहती है, और उनमें परिवर्तन होकर साधनों का वितरण अनुकूलतम हो जाता है, जिससे आय और पूंजी निर्माण आर्थिक विकास को गतिशील बनाता है। फिर नेक्स्ट है निर्यात, इट गिव्स जो है डेवलपमेंट ऑफ जो है एक्सपोर्ट्स होता है। किसी भी देश में देखिए उत्पत्ति के जो समस्त क्षेत्र में समान विकास नहीं होता, वरन कुछ क्षेत्र ही महत्वपूर्ण होते हैं जिनमें पहले से विकास होता है, और ये क्षेत्र अन्य उद्योगों को गति प्रदान करते हैं। इस दृष्टि से देखिए गति प्रदान करने में निर्यात क्षेत्र की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, और ये स्पष्ट होती है पहली तो विस्तृत बाजार के रूप में, वाइड मार्केट। देखिए विदेशों में मांग वृद्धि के कारण देश की विभिन्न वस्तुओं का बाजार विस्तृत होता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने स्पष्ट किया था कि जो देश विदेशों में अपना माल बेचने में सफल होता है वह द्रुत गति से विकास कर सकता है। इससे बड़े पैमाने की क्या होता है, बचतें प्राप्त होती है, विभिन्न उद्योगों पर इसका विकासात्मक प्रभाव पड़ता है। और फिर है निर्यात उद्योगों का विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स, देश के भीतर बिना सामाजिक पूंजी का विनिमय किए निर्यातों का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जैसे यदि विदेशी व्यापार और निर्यात नहीं किया जाता तो देश के भीतर ही बाजार को विकसित करने के लिए पर्याप्त परिवहन और वितरण की व्यवस्था आवश्यक है, जिसमें काफी मात्रा में विनियोग आवश्यक होता है। किंतु यदि देश अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रवेश कर लेता है तो यह कठिनाई का सामना किए बिना ही देश वस्तुओं का निर्यात करके लाभ उठा सकता है। फिर है मांग में वृद्धि, निर्यातों के कारण क्या होता है कि अन्य क्षेत्रों में प्रभावपूर्ण मांग का जन्म होता है, जिससे विभिन्न वस्तुओं की मांग बढ़ती है। लुईस का मत है कि उत्पादन के साधनों के लिए निर्यात उद्योगों में प्रतियोगिता होती है, जिससे देश के अन्य उद्योगों में भी नव प्रवर्तन होते हैं, इससे उत्पादन में वृद्धि होती है। फिर कई बार देखिए नेक्स्ट है आयातों से भी देश का आर्थिक विकास होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू इम्पोर्ट्स ऑल्सो। अर्थविकसित देशों को उद्योगों की स्थापना और तकनीकी विकास के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है वे पर्याप्त मात्रा में इन देशों में उपलब्ध नहीं होते हैं, अतः विदेशों से इन्हें आयात किया जाता है। इन आयातों को हम तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं। सबसे पहला होता है एक देश विकास करने के लिए डेवलपमेंटल इम्पोर्ट यानी विकास संबंधी आयात करता है। पिछड़े देशों में आय में वृद्धि करने के लिए उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना आवश्यक है, ताकि ये देश कम से कम अपने उत्पादन संभावना वक्र पर पहुंच सके। वर्तमान स्थिति यह है कि बहुत से पिछड़े देश अपने उत्पादन संभावना वक्र के भीतर ही उत्पादन करते हैं।
और पूरा उनका जो है जो कैपेसिटी तक उत्पादन नहीं कर पाते हैं। अब फिर है दूसरा तरीका होता है इम्पोर्ट्स, मेंटेनेंस इम्पोर्ट्स, जिनको हम निर्वाह या अथवा अनुरक्षण आयात कहते हैं। जब अर्धविकसित देशों में एक निश्चित उत्पादन क्षमता की स्थापना होती है तो उसका पूर्ण प्रयोग करने के लिए निरंतर कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं की आवश्यकता होती है जो सदैव अर्धविकसित देशों में उपलब्ध नहीं हो पाती, अतः इनका विदेशों से आयात किया जाता है। ऐसे आयात को जो देश की उत्पादन क्षमता का पूर्ण प्रयोग करने के लिए किए जाते हैं निर्वाह आयात कहते हैं, और पिछड़े हुए देशों में उत्पादन बढ़ाने के लिए ऐसे आयातों का बहुत महत्व है। फिर नेक्स्ट है आयात डिप्लेशनरी इंपोर्ट्स, जब अर्धविकसित देशों में मुद्रा प्रसार के कारण जो है स्फीतिक दशाएं फैल जाती है तो दीर्घकाल में इनका आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में देश में वस्तुओं का अभाव हो जाता है और अर्थव्यवस्था असंतुलित हो जाती है। इसको दूर करने के लिए विदेशों से वस्तुओं का आयात किया जाता है जिससे अर्थव्यवस्था में स्थिरता आती है और आर्थिक विकास संभव होता है, अतः ऐसे आयातों को स्थितिकारी आयात कहते हैं। फिर नेक्स्ट है क्यों हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार को आर्थिक विकास का इंजन मानते हैं, तो देखिए विदेशी तकनीक की जानकारी जो होती है हमको दूसरे देशों से, उससे देश का विकास होता है, डेवलपमेंट विद द जो है फॉरेन टेक्नोलॉजी। जीएस मिल के अनुसार विदेशी व्यापार से निर्धन देशों को लाभ होता है क्योंकि इसके द्वारा उनकी जानकारी विदेशी तकनीक और कलाओं से होती है। इसके कारण भी अतिरिक्त पूंजी से अधिक दर पर लाभ उठाने लगते हैं और इस दृष्टि से विदेशी पूंजी का आयात बढ़ाते हैं जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। विदेशी कलाओं की जानकारी अर्धविकसित देशों के व्यक्तियों में नवीन विचारों को जागृत करके और उनके परंपरागत आदतों को बदलकर उनमें नवीन इच्छाओं, बड़ी आकांक्षाओं तथा दूरदर्शिता को जन्म देती है। फिर है भुगतान संतुलन का आर्थिक विकास पर जो प्रभाव है, जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो इम्पैक्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, उसको हम देखते हैं। भुगतान संतुलन की स्थिति आर्थिक विकास और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संबंध को अच्छी तरह व्यक्त करती है। देखिए पिछड़े हुए देश जो है प्रारंभिक स्थिति में जो है निर्यातों और की तुलना में आयात अधिक करते हैं तथा उनका विनियोग बचत की तुलना में अधिक होता है। बचत और विनियोग में जो अंतर होता है उसकी पूर्ति विदेशी पूंजी से की जाती है। अर्धविकसित देश विदेशों से दीर्घकालीन पूंजी उधार लेते हैं और उनका विनियोग बचत से अधिक होता है। विकसित देशों की स्थिति इसके विपरीत होती है, उनकी घरेलू बचत विनियोग से अधिक होती है जिससे पिछड़े हुए देशों को ऋण देते हैं। फिर है समग्र आर्थिक विकास ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एच मिंट के अनुसार विदेशी व्यापार गतिशील उत्पादकता के सिद्धांत पर आधारित है जो श्रम विभाजन की संभावनाओं को बढ़ाता है। इससे मशीन के प्रयोग को प्रोत्साहन मिलता है, नव प्रवर्तन का प्रयोग संभव होकर गतिशील होता है, इससे श्रम की उत्पादकता बढ़ती है और व्यापार करने वाले समस्त देशों को अधिकतम लाभ मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक विकास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पूंजी संचय और बचत क्षमता में भी वृद्धि होती है, देयर इज इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन एंड कैपेसिटी टू सेव। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने विदेशी व्यापार के प्रभाव को स्पष्ट किया है जो देश के साधनों पर पड़ता है, और उन्होंने बताया कि विदेशी व्यापार के फलस्वरूप साधनों का कुशलतम ढंग से प्रयोग होता है और उसके फलस्वरूप क्या होता है, वास्तविक आय में वृद्धि होती है, बचत की क्षमता भी बढ़ती है, विदेशों में व्यापार करने से बाजार का विस्तार होता है, विनियोग को प्रोत्साहन मिलता है। हिक्स के अनुसार विदेशी व्यापार करने के लिए किसी देश को बड़े पैमाने पर उत्पादन करना पड़ता है जिससे उसे पूंजी गहन उन्नत तकनीकों से उत्पादन करने से लाभ होने लगता है। और नेक्स्ट है व्यापार की शर्तों का, देखिए क्या आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और ये हम कह सकते हैं कि अनुकूल व्यापार की शर्तों के फलस्वरूप औद्योगिक और गैर औद्योगिक देश दोनों को लाभ हुआ है, और अर्धविकसित देशों ने विकसित देशों को आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति की है जिससे वहां औद्योगीकरण बढ़ा है और इसके बदले
औद्योगिक देश ने अर्ध विकसित देशों को उपभोग और पूंजीगत वस्तुएं प्रदान की है। विकसित देशों की पूंजी और तकनीक ने अर्ध विकसित देशों के आर्थिक विकास में बड़ी सहायता की है। इस प्रकार आयातों और बढ़ती हुई उत्पादन संभावनाओं ने प्राथमिक उत्पादन करने वाले देशों में विस्तृत और गहन आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दिया है। और लास्ट है डायनेमिक गेन्स। देखिए, बहुत सारे डायनेमिक गेन्स या गत्यात्मक लाभ भी प्राप्त होते हैं, जैसे मशीन, पूंजी, कच्चे माल, अर्धनिर्मित वस्तुएं और भौतिक साधनों की उपलब्धि बढ़ती है। देश में अंतरराष्ट्रीय विनियोग से पूंजी की प्राप्ति होती है। तकनीकी और नव प्रवर्तन से लाभ मिलता है। विदेशी प्रतियोगिता से कुशल और अधिक उत्पादन संभव होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार ने विशेष रूप से अर्ध विकसित देशों के आर्थिक विकास में काफी लाभ पहुंचाया है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अनेक ऐसे देशों के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है जो आज संसार के सबसे अधिक समृद्ध देश समझे जाते हैं। थैंक यू।